आज मैं फिर से एक टाइम लूप मूवी लेकर आया हूँ। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने डरे हुए बेटे को शांत कर रही थी और इससे कह रही थी कि डरने की कोई बात नहीं है, ये बस एक बुरा सपना है। इसका नाम जेस है और इसके बेटे का नाम टॉमी है। टॉमी जब ड्रॉ बना रहा था तभी इससे कलर नीचे गिर जाता है जिस पर जेस इसको साफ कर रही थी। तभी कोई इनके घर की डोरबेल बजाता है। जेस देखने के लिए बाहर आती है मगर बाहर कोई नहीं था। ये अपने पड़ोसी जैक से पूछती है कि क्या इसने किसी को देखा जिसने अभी अभी इसके घर की बेल बजाई है, जिस पर जैक कहता है नहीं, इसने किसी को नहीं देखा। फिर ये घर के अंदर जाकर कपड़े पैक करने लगती है क्योंकि आज इसे कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाना था। जैस अपने बेटे को किसी तरह समझा कर अपने साथ चलने को कहती है मगर टॉमी बहुत डरा हुआ था। अब दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थे। कुछ देर बाद जैस भी यहाँ आ जाती है। जेस को अकेला देखकर ग्रे पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्या वो हमारे साथ नहीं चल रहा है, जिस पर जेस कहती है कि वो स्कूल गया है। यहाँ पर ग्रे नोटिस करता है कि जेस झूठ बोल रही है क्योंकि आज स्कूल बंद है। जेस कहती है कि प्लीज़ मुझसे कुछ मत पूछो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दो। इसके बाद ये सारे लोग सफ़र पर निकल जाते हैं। जेस बोट में सो रही थी तभी इसे एक सपना आता है और ये देखती है कि ये समुद्र किनारे बेहोशी की हालत में पड़ी है। तभी अचानक ये जाग जाती है और ग्रे के पास जाकर बातें करने लगती है और इससे कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब पहले हो चुका है, जिस पर ग्रे इसे समझाता है कि कभी कभी ऐसा सबके साथ होता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद अचानक यहाँ पर हवा चलना बंद हो जाती है। तभी इनकी नज़र दूर से आने वाले तूफान पर पड़ती है। ग्रे तुरंत किसी और बोट से संपर्क करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज़ आती है जो कह रही थी कि उसने सबको मार दिया है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन जब तक ये कुछ समझ पाते तब तक यहाँ तूफान आ चुका था और ये तूफान इतना भयानक था कि इनका बोट पलट जाता है और ये सभी पानी में गिर जाते हैं। ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है, सभी लोग पलटी हुई बोट पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इनका एक साथी नहीं मिल रहा है। तभी ये देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ी शिप आ रही है। ये लोग बहुत खुश होते हैं। इन्हें शिप पर एक आदमी दिखाई देता है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ये लोग उस शिप से मदद मांगते हैं मगर उधर से कोई मदद नहीं आती। फिर ये लोग किसी तरह इस शिप पर चढ़ जाते हैं। जब ये चारों तरफ देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस शिप पर कोई नहीं है। फिर जेस फिर से वही बात कहने लगती है कि ये यहाँ पहले भी आ चुकी है, जिस पर ग्रे को गुस्सा आने लगता है और ये कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। तभी इन लोगों को लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। यहाँ पर डोनी को एक चाबी मिलती है जिसे देखकर जेस कहती है कि ये चाबी मेरी है क्योंकि इस चाबी में जेस के बेटे की तस्वीर थी, इसीलिए सबको यकीन हो जाता है कि ये चाबी जेस की ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी इन्हें याद आता है कि शायद ये चाबी हेटर लेकर यहाँ आई होगी, इसीलिए ये लोग अपने साथी हेटर को ढूंढने लगते हैं। तभी जेस यहाँ से किसी को भागते हुए देखती है। विक्टर भागकर उसके पीछे जाता है। ये उस अनजान आदमी को ढूंढने लगता है। इस तरफ इन लोगों को शीशे पर गो थिएटर लिखा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए ये लोग थिएटर ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। यहाँ पर ग्रे और जेस में फिर से किसी बात को लेकर बहस होने लगती है, इसीलिए जेस अकेले ही जाने लगती है। तभी यहाँ विक्टर आता है जो बहुत ही बुरी तरह से घायल था। ये जेस को पता नहीं क्यों मारने की कोशिश करने लगता है मगर तभी जेस अपनी जान बचाने के लिए विक्टर की चोट पर हमला करती है और यहाँ पर विक्टर मारा जाता है। फिर ये किसी तरह थिएटर के पास पहुँचती है जहाँ पर डॉनी और सैली घायल थे और ग्रे मर चुका था। सैली जेस को गाली देने लगती है और पूछती है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसे मार दिया। यहाँ पर जेस का कहना था कि ग्रे को इसी ने मारा है, जिस पर जे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी यहाँ एक मास्क पहना हुआ आदमी आकर इन पर गोलियां चलाने लगता है। ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। जेस भागते हुए
हुए बोट के छत पर आ जाती है। तभी इसके पीछे पीछे वो किलर भी यहाँ आ जाता है और जेस पर हमला कर देता है। यहाँ पर इन दोनों में दो दो हाथ होते हैं और लास्ट में जेस इस किलर को हरा देती है। जेस इससे पूछती है, कौन हो तुम? जिस पर ये बताता है कि घर जाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें उन सबको मारना होगा। और फिर ये समंदर में गिर जाता है। ये कुछ समझ पाती तभी ये देखती है कि सामने से कुछ लोग पलटी हुई बोट से हेल्प मांग रहे हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि इसी के दोस्त हैं, जिसमें ये भी मौजूद थी। और दोस्तों, यही वो सीन होता है जब ये लोग उस शिप पर किसी आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा सही से नहीं दिख रहा था। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जेस ही थी। अब यहाँ से हम इस जेस को जेस वन बुलाएंगे और उस ग्रुप को ग्रुप टू बुलाएंगे। देखते ही देखते ग्रुप टू इस बोट पर चढ़ जाती है। जेस बहुत डरी हुई थी, इसीलिए ये इन लोगों से छुप रही थी। यहाँ पर वही सब कुछ फिर से होने लगता है। तभी जेस टू को लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, जिस पर जेस वन यहाँ से भागती है और तभी यहाँ इसकी चाबी गिर जाती है। तब हमें समझ में आता है कि शुरुआत में जेस वन को ये चाबी कैसे मिली थी। इसके बाद जेस टू इसको देख लेती है, इसीलिए विक्टर इसके पीछे जाता है। जेस वन भागकर बोट के छत पर आ जाती है और यहाँ ये देखती है कि इसके एक साथी की लाश पानी में तैर रही है। तभी यहाँ विक्टर इसको ढूंढते हुए आ जाता है और ये पूछता है कि तुम इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गई, जिस पर जेस वन कहती है कि वो मैं नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो, तुम्हारे साथ जो नीचे है वो मेरी कॉपी है। जेस इसको सारी बात समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मगर विक्टर इसकी बात नहीं समझ रहा था। तभी अचानक गलती से जेस के हाथों विक्टर को चोट लग जाती है। इसके बाद जेस यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर जेस को समझ आ गया था कि ये एक टाइम लूप में फंस गई है, इसीलिए ये फैसला करती है कि ये किसी तरह इस टाइम लूप को तोड़ देगी। इस जगह पर जेस को बहुत सारे लेटर मिलते हैं जिस पर लिखा था, घर जाने का एक ही रास्ता है, सबको मार दो। फिर जेस भी एक सादे पेपर पर वही लिखती है, ये जानने के लिए कि ये राइटिंग किसकी है। तब इसे पता चलता है कि ये राइटिंग इसी की है। इसका मतलब यहाँ पर इस जेस से पहले और भी बहुत सारी जेस आ चुकी हैं। जेस के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि अगर घर जाना है तो उन सबको मार दो। जिसके बाद जेस को यहाँ पर बहुत सारी बंदूक मिलती है। फिर ये बंदूक लेकर ग्रुप टू को मारने के लिए निकल जाती है। ये सबसे पहले जेस टू के पास आती है और जैसे ही इसे मारने वाली थी तभी ये अपना मन बदल लेती है और सोचती है कि ये इन लोगों को नहीं मारेगी बल्कि उस मास मैन से इन्हें बचाएगी। इसीलिए ये डॉनी और सैली को बंदूक देकर कहती है कि ये लोग किसी पर भी भरोसा ना करें, यहाँ पर एक मास्क मैन है जो हम सबको मारने वाला है। इतना कहकर ये दूसरे लोगों के पास जाती है। तभी यहाँ वो मास्क मैन आकर इन पर गोलियां चलाने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि जेस ही है। ये जेस वन से भी पहले यहाँ आई थी। फिर ये इन दोनों को चाकू से मारने लगती है, मगर सैली किसी तरह से यहाँ से भाग जाती है। इसकी हालत बहुत खराब थी। सैली किसी तरह इस शिप से किसी दूसरे शिप से संपर्क करती है और कहती है कि वो सबको मार रही है, प्लीज मेरी मदद करो। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि ये वही बातचीत होती है जब शुरू में ये लोग यहाँ पर आ रहे थे। इसके बाद सैली किसी तरह बोट के छत पर आती है। जेस वन भी इसके पीछे आ रही थी। और दोस्तों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर सैली के बहुत सारे डेड बॉडी पड़े हुए थे। सैली हर बार यहीं पर आकर मर जाती थी। जेस वन इससे पूछती है कि ये सब किसने किया, जिस पर सैली बताती है कि तुमने ही मुझे मारा है। जेस वन इसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं वो नहीं थी, लेकिन तब तक सैली मर जाती है। तभी जेस वन देखती है कि जेस टू उस मास्क वाले आदमी को मार रही थी। इसका मतलब खेल अभी भी जारी है। थोड़ी देर बाद इस शिप पर ग्रुप थ्री आने वाला था। जेस वन भागकर शिप के मशीन की तरफ जाती है और इस मशीन को खराब करने की कोशिश करती है, जिससे ग्रुप थ्री इस शिप पर ना चढ़ सके, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाती। ग्रुप थ्री यहाँ पर आ जाते हैं और वही सब कुछ फिर से होने लगता है। ये सब देख कर जेस वन का दिमाग खराब होने लगता है, जैसा कि इस वक्त हम सबका हो रहा है। लास्ट में जेस फैसला करती है कि ये इन सबको मार देगी ताकि ये घर जा सके।
सके। ये बाकी लोगों की डेड बॉडी को पानी में फेंक देती है, जिससे उन लोगों को मारने में आसानी हो जाए। फिर ये वही मास्क पहनकर इन सबको मारने के लिए निकल जाती है। ये सबसे पहले ग्रे को मारती है। और दोस्तों, ये वही सीन होता है जब जस्टू इन लोगों को उस मास्क मैन से बचा रही थी। फिर जस्टू यहाँ से शिप के छत की तरफ भागती है। जस वन इसके पीछे थी। यहाँ पर जस वन और टू में दो दो हाथ होते हैं। लास्ट में जस्टू इस मास्क वाले आदमी को हरा देती है, जो असल में जस वन ही थी। ये भी मरने से पहले जस्ट टू से वही बात कहती है कि अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें सबको मारना होगा। इसके बाद ये पानी में गिर जाती है और कुछ समय बाद इसको समुद्र किनारे होश आता है। जस वन किसी तरह भागते हुए अपने घर आती है। यहाँ पर टॉमी ड्रॉ बना रहा था, तभी टॉमी जस वन को खिड़की पर देख लेता है, जिससे डर कर इसके हाथों से कलर नीचे गिर जाता है, जिस पर यहाँ की जस इसको बहुत मारती है, क्योंकि इसको उस ट्रिप पर जाना था, इसके वजह से इसको बहुत देर हो रही थी। ये सब जस वन खिड़की से देख रही थी। इससे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। फिर ये फैसला करती है कि ये इस जस को मारकर इसकी जगह ले लेगी और अपने बेटे के साथ शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। इसके बाद जस वन इस घर की डोरबेल बजाती है, जिस पर ये दरवाजा खोलती है, मगर इसे यहाँ कोई नहीं मिलता। इसी के बीच जैस वन घर में घुस जाती है और यहाँ की जैस जैसे ही घर के अंदर आती है, जैस वन इसको बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। ये सब इसका बेटा टॉमी देख लेता है, जिस पर जैस वन इसको शांत करके कहती है कि ये सब एक बुरा सपना है। इसके बाद ये कपड़े पैक करके अपने बेटे के साथ कहीं और जाने के लिए निकल जाती है। दोस्तों, यही इस मूवी के शुरुआत का सीन था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक बर्ड इसकी कार से आकर टकरा जाता है, जिसका खून देखकर टॉमी डरने लगता है। फिर जस वन इस बर्ड को उठाकर एक किनारे पर फेंकती है और यहाँ पर ये क्या देखती है कि इसी जगह पर ऐसे ही और बहुत सारे बर्ड मरे हुए थे। इसका मतलब ये लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये जानकर जस को यकीन नहीं होता, फिर ये यहाँ से जाने लगती है। टॉमी शीशे पर लगे खून को देखकर बहुत डर रहा था। जस इसे चुप कराने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी इसकी कार एक बड़े से ट्रक से टकरा जाती है और इनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ये दोनों मर जाते हैं। तभी यहाँ एक आदमी आता है और जस को यहाँ से चलने को कहता है। जस पूछती है, कौन हो तुम? जिस पर ये आदमी कहता है, मैं बस एक ड्राइवर हूँ, तुम जहाँ चलना चाहो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। फिर ये ड्राइवर से उस जगह पर चलने को कहती है जहाँ आज ये लोग ट्रिप पर जाने वाले थे। थोड़ी देर बाद जस उस जगह पर पहुँच जाती है, तब ये ड्राइवर जस से कहता है, क्या तुम सच में वापस आओगी? जिस पर जस इससे वादा करती है कि ये जरूर वापस आएगी। और फिर ये अपने दोस्तों के साथ उस ट्रिप पर निकल जाती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। ये थी इस मूवी की कहानी, जो बहुत ही कन्फ्यूजिंग थी। अब बात करते हैं इसकी एंडिंग की। तो देखिए, इस मूवी का ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई एंड है, क्योंकि मूवी की शुरुआत भी एंड से होती है और जहां एंड होता है वहीं से शुरुआत होती है। इसके एंडिंग को लेकर बहुत सारे लोगों की अलग अलग कहानियां हैं और जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जब जेस का एक्सीडेंट हुआ तब ये वहीं पर मर जाती है। इसको ले जाने के लिए मौत के देवता ड्राइवर के रूप में यहाँ आते हैं और जेस को अपने साथ चलने को कहते हैं, जिस पर जेस इनसे रिक्वेस्ट करती है कि एक बार मुझे अपने बेटे से मिलने दीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं वापस आऊँगी। जिस पर मौत के देवता इसे जाने देते हैं। फिर यहाँ पर जेस अपना दिमाग लगाती है और इन्हें धोखा देने का सोचती है, मगर गॉड तो गॉड थे, वो सब जानते थे कि ये क्या सोच रही है। इसीलिए जेस जब बोर्ड में सोने जाती है, तभी गॉड इसकी याददाश्त मिटाकर इसको एक ही दिन में फंसा देते हैं। अब इसके आगे क्या होने वाला है, इसे कुछ भी याद नहीं होता। जैसे किसी को सपना याद नहीं रहता, सेम इसके साथ भी वही होता है। इसीलिए जैस हर समय कंफ्यूज रहती थी। इसे हर वक्त ऐसा ही लगता था जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। यही थी इसकी सजा। अब ये लूप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि मौत के देवता ना चाहें। इसीलिए कहा जाता है कि हम दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हैं, मगर गॉड को धोखा नहीं दे सकते। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।